हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप से दो एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट नंबर वन जो मोस्ट कमेंटेड रहा आप लोग की तरफ से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट। सो आज की इस वीडियो में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में जो टोटल 4 और 5 केसेज हैं, इनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे, साथ के साथ उनके ट्रीटमेंट में कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके क्वेश्चन में आ गया पास जर्नल एंट्री, सो आप कहीं से भी मिस ना करो। सेकंड भी हाफ, आप उसका जो ट्रीटमेंट हमें करना है, एंट्री ना करके अगर अकाउंट बनाने को बोलता है तो रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल या फिर बैलेंस शीट में उसकी प्रेजेंटेशन क्या होने वाली, कंप्लीट डिटेल करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। और हाँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ में स्टार्ट करते हैं। सो देखो यार, सबसे पहली बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर कोई भी रिजर्व होता क्या है। अगर हम प्रोविजन रिजर्व के पॉइंट की बात करें तो रिजर्व की जो डेफिनेशन बनती है, रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अननोन लाइबिलिटीज। बट इन दैट केस यहां पे जो सिनेरियो वो क्या है कि रिजर्व हम क्रिएट कर रहे हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, और वो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। अगर हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में कोई भी वर्कर्स को कोई लॉस होता है तो उस ईयर के प्रॉफिट से ना बियर करके हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से बियर कर सकें। अब सीधी सी बात है कि प्रॉफिट अगर यूज नहीं हुआ, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो प्रॉफिट किसका, फर्म का। फर्म किसकी, पार्टनर्स की। तो प्रॉफिट किसका हुआ, पार्टनर्स का। बात समझ आई। तो यहां पे ना 4 केस बन रहे हैं। पहला केस, जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम लगा ही नहीं। दूसरा केस, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से जो हमने क्लेम किया है वो उससे कम है। तीसरा केस, हमने जो क्लेम किया वो रिजर्व के ठीक बराबर है। चौथा केस, हमने जो क्लेम किया वो रिजर्व से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब समझते हैं ट्रीटमेंट क्या होगा। देखना, हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे 50,000 का, जहाँ हम ये मान रहे हैं कि बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 50,000 की ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है। सर अमाउंट के साथ क्यों बता रहे हैं, सो दैट आप ज़्यादा रिलेट कर पाओ। अब जरा चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन, इफ देर इज नो क्लेम। समझना, अगर कोई क्लेम नहीं हो रहा मतलब वो एक सिंपल सा रिजर्व है जो प्रॉफिट से बना था। अब क्योंकि वो प्रॉफिट से बना है और कोई क्लेम नहीं लगा तो रिजर्व बच गया। बच गया तो किसका, पार्टनर का। आओ जरा एंट्री कर देते हैं। सर एंट्री क्या होगी, देखो अगर आपने मेरी जर्नल एंट्री वाली वीडियो फॉलो करी है जहां हमने टाइप्स ऑफ 7 जर्नल एंट्रीज बताई थी तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। बट नहीं भी करी तो इस वीडियो में आपको सिंप्लीफाई कर देता हूं। कोई भी लाइबिलिटी डिक्रीज होने पर क्या होती है, डेबिट ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की साइड पर, लाइबिलिटी साइड पर एंट्री क्या परफॉर्म करेंगे। सर देखिए जरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर शॉर्टकट में लिख रहा हूं, टाइम सेव करने स्पेस के लिए आप शॉर्टकट प्लीज मत यूज करिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ब्लैक पेन का यूज जरूर करिए। टू, हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 पार्टनर्स अवेलेबल हैं, टू ए बी सी कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। सिंपल सी बात है, ये हो गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब सर इसमें कैसे करना है, 50,000 के अमाउंट है, कोई क्लेम लगा नहीं तो हम यहाँ रखेंगे 50,000। अब जो ओल्ड रेशियो हो उस ओल्ड रेशियो में इस 50,000 को ए बी सी को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड की बात करते हैं। सर इफ द क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेट्स से कि हमने यहाँ पे क्लेम कर दिया 30,000 रुपीज का, कि भाई ऐसा है 30,000 रुपये वर्कर्स को देने पड़ेंगे, और सर रिजर्व कितने का है, 50,000 का। ऑब्वियस सी बात है रिजर्व से हमारा क्लेम कम है। अच्छा जरा बताओ, अगर क्लेम लगा तो हमारी फर्म के लिए वो जो क्लेम है वो क्या है, सर लाइबिलिटी है, तो क्या करना चाहिए। लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होती है, लिखते हैं दोबारा से, डिक्रीज होने पे डेबिट और इंक्रीज होने पे क्रेडिट। इतनी बात क्लियर है ना। अब जरा समझना, 50,000 रुपये का रिजर्व था जिसमें से 30,000 रुपये क्लेम हो गए, तो जरा पहले रिजर्व को डेबिट करो, बिकॉज हमें इसे पर्पस था राइट ऑफ करना ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके जी, अच्छा नरेशन का ध्यान रखना आप, मैं आपको इस कंसेप्ट की बात करूँ, इसमें नरेशन नहीं लिख रहा हूँ इस वक्त। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब पॉइंट यहाँ पर है सर, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, 30,000 रुपये का क्लेम हमें देना है, क्या करने वाले हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगेन बात वही है, कोशिश करिए शॉर्टकट अवॉइड करने की। अब सर देखो जरा, 50,000 रुपये का रिजर्व था, 30,000 रुपये की लाइबिलिटी क्लेम हो गई, तो सर 20,000 तो बचा ना, ये 20,000 क्या बचा, ऑब्वियस ये बात है रिजर्व बचा। जब जब रिजर्व बचेगा तब तक वो पार्टनर का होगा, रीजन बात कर चुके हैं बिकॉज वो प्रॉफिट का पार्ट है। तो फिर से लिखना है 2A to B to C, ठीक है, कैपिटल 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 अकाउंट और वैल्यू। अगेन बात वही, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, सर कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
50 में से 30,000 क्लेम हो गया, 20,000 का रिजर्व बचा, तो 20,000 रुपए एबीसी को दे देने। आई होप ये समझ आ रहा है। थर्ड कंडीशन की बात करेंगे, इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन, दैट मींस हमारा रिजर्व था 50,000 का और जो हमने क्लेम करा है वो भी है 50,000 का। अब देखो, क्योंकि जितने का रिजर्व था उतने का ही क्लेम हो गया, तो क्या पार्टनर्स के लिए कुछ बचा? आंसर है नहीं। और यहाँ पे दो बातें हो रही, पहली बात रिजर्व हम राइट ऑफ कर रहे हैं, मतलब डिक्रीज हो रही लायबिलिटी, दूसरी बात क्लेम लगी है तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। सर क्या एंट्री निकल के आई? एंट्री हो गई अच्छा, अभी आप ये सोचोगे कहाँ कैसे शो करना है, बताऊंगा पूरा कंप्लीट करने के बाद, बताता हूँ आपको। पहले एंट्री बता दूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। जब जब क्रिएट होगी तो आप एक प्रोविजन कर रहे हो। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर नॉन लाइबिलिटीज, कन्फर्म हो गया भाई पैसे देने हैं, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितने पैसे सर? पूरे पूरे जितने रिजर्व के थे पूरे क्लेम कर लिए, कुछ नहीं छोड़े इन लोगों ने। चलो केस नंबर फोर, इफ द क्लेम इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कह रहे हैं अगर क्लेम ज्यादा है तो दैट मींस 50,000 का हमारा रिजर्व था जो हम एज्यूम करके बैठे हैं और 60,000 का क्लेम हो गया, मतलब साफ है क्लेम ज्यादा कर लिया। सर आओ जरा एंट्री समझते हैं, देखना और समझना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन चार केस में आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, हमें किसी भी सिनेरियो में वर्कमैन कंपनसेशन को राइट ऑफ करने के लिए जाना है, और जब भी लाइबिलिटीज राइट ऑफ या डिक्रीज होगी तो लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। सर इतनी बात क्लियर? जब तो क्लेम आपका जो लग रहा है, लाइक कोई क्लेम नहीं है पार्टनर्स को दे दो, क्लेम थोड़ा लगा जो बचा वो पार्टनर्स को दे दो, क्लेम बराबर का लग गया पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं क्लेम बनाओ। अब यहाँ बोलते क्लेम ज़्यादा लग गया, यार जब ज़्यादा क्लेम लग जाएगा, आपने 50,000 का रिजर्व क्रिएट किया था, वर्कर्स 10,000 रुपये और चाहते हैं, तो आपके लिए क्या है? ऑब्वियस बात है लॉस है। लॉस किधर दिखाएंगे? सर रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब आप बोलो सर डेबिट क्यों कर रहे हो इसको? अरे सर लॉस है हमारा, लॉस पे रीवैल्यूएशन डेबिट ही होता है। अब लाइबिलिटी क्रिएट करनी है कितने से? 60,000, तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो क्या लिखना है अपने को? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आओ देखो जरा, लाइबिलिटी 60,000 क्रिएट करी, लॉस 10,000 का हुआ, रिजर्व 50,000 का था ही वर्कर्स का हमारा। समझ आई बात? एक बात और है इसमें, क्या है सर? एक बात यह है कि अगर यहाँ पे लॉस की एंट्री करने को बोले तो यहाँ पे आप एक एंट्री और कर, सर कौन सी एंट्री होगी? देखो जरा, ए बी सी टू रिवैल्यूएशन, ठीक है जी, ना सुन हो तो लिख लीजिएगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। पार्टनर दो हैं तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यहां की बात करें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब ये तो बात हो गई, जरा बात कर लेते कौन से एडजस्टमेंट, कौन से केस पर कहां पर शो करना है। जरा देखो केस नंबर वन, ये जाएगा आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कौन से साइड पर सर? दिख रहा है ना, क्रेडिट साइड पर, बाय वर्कमैन कंपनसेशन। सर ये कहाँ जाएगा? ये वाला पैसा जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये वाला पैसा से मेरा मतलब 20,000 से है, ये वाला पैसा जाएगा नई फर्म की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। थर्ड की बात कर लेते हैं, पूरा पूरा पैसा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। फोर्थ की बात करते हैं, रिवैल्यूएशन में 10,000 रुपये और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में पूरे पूरे कितने? 60,000 रुपये जितने का क्लेम लगा है। तो देखो यार, वर्कमैन कंपनसेशन में दो बातें आपको समझनी, सबसे पहली बात केस होंगे चार, और दूसरी बात हर बार हमें वर्कर्स के कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करना है बिकॉज हम उसे राइट ऑफ करने वाले। अब इसके बाद जो केस बने ध्यान से देख लो, कोई क्लेम चार ही केस है, पांचवा केस बना नहीं सर, या तो कोई क्लेम नहीं होगा, या तो क्लेम कम होगा, या तो क्लेम बराबर का होगा, या फिर क्लेम ज्यादा होगा। कम या लाइक कोई क्लेम नहीं हुआ, पूरा पैसा पार्टनर्स को, ठीक है ना। कम क्लेम हुआ, जो पैसा बचा वो पार्टनर्स को। बराबर का क्लेम हुआ, पार्टनर्स को कुछ नहीं। ज्यादा का क्लेम होगा, पार्टनर्स को फिर से कुछ नहीं, इवन उनसे हमें ले लेना है जितना ज्यादा का क्लेम होगा। आई होप ये क्लियर हो चुका है। अब जरा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, उसमें टोटल होते हैं 5 केस, पांचों केस को डिटेल करेंगे, जरा देखते हैं। अगले टॉपिक पे चलने से पहले मुझे कमेंट में जरा ये बता दीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के जो मैंने टोटल 4 केस आपको बताए, उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपके माइंड में अच्छे से समझ में आ गया है कि नहीं। बिकॉज अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको समझ आ गया है तो आईएफआर जो अब डिस्कस करने चल रहे हैं इसको मैं और ज़्यादा ईजी बना सकता हूँ। बस ध्यान रखना कि जो वर्कमैन कंपनसेशन में बताया है उससे बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें रिलेट जरूर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। अगेन बात वही है, प्रॉफिट से क्रिएट होगा,
होगा, पर्पस क्या होगा, कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है अगर मार्केट वैल्यू में जैसे प्रेजेंट टाइम में या डिमोनेटाइजेशन के टाइम में या लॉकडाउन जो अभी चल रहा है इस मोमेंट पर पूरे पूरे शेयर मार्केट क्रैश कर गए हैं, तो शेयर मार्केट में होता है इन्वेस्टमेंट शेयर्स में। अब जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है आपने उसके लिए एक सेपरेट रिजर्व बना लिया है कि अगर मार्केट का कुछ फ्लो होता है, फंड फ्लो होते हैं, अप एंड डाउन मार्केट होती, अप सिनेरियो है ओके रिपोर्ट थम्स अप है, बट अगर मार्केट डाउन गई जैसे अभी है तो इस सिनेरियो में हम उस रिजर्व से उस राइट ऑफ वैल्यू को हम राइट ऑफ कर सकते हैं नहीं जो वैल्यू डाउन गई है। तो देखना करना क्या है, अगेन सिनेरियो ध्यान रखो, पहली बात तो कोई यहाँ क्लेम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। हमारे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लाइबिलिटी साइड में लिखा है, एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमने 5 लाख रुपये ले ली है, यहाँ पे 30,000 ली हमने रिजर्व की वैल्यू, बिकॉज अमाउंट के साथ बताऊंगा आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट करोगे। अब समझना कि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा, अच्छा सोच के देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा मतलब रिजर्व पूरा का पूरा बच गया, और रिजर्व बच गया तो रिजर्व किससे बना, प्रॉफिट से, प्रॉफिट किसका, पार्टनर का, तो रिजर्व किसका, समझ रहे हो ना। अब एंट्री करके देखते हैं क्या एंट्री बनी सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, अच्छा मैं ए बी सी ना लिख के सीधा सीधा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन में आप, अच्छा रेशियो कौन सा, ओल्ड रेशियो, मान लो क्वेश्चन में दे देता है पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के प्लेस पे करंट लिख देना, दैट्स इट। चलो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च करना है, ठीक है। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख है, बुक वैल्यू पहले से कितनी थी, 5 लाख थी। सर जब सिनेरियो ऐसा है तो जरा समझो, 5 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी, मार्केट में अभी भी कीमत मस्त 5 लाख बनी हुई है, कोई डाउनफॉल नहीं है। अगर कोई डाउनफॉल नहीं है मतलब रिजर्व का यूज़ नहीं होगा, रिजर्व कब यूज़ होगा, जब मार्केट वैल्यू डाउन चली जाएगी। तो रिजर्व अगर नहीं यूज़ हुआ मतलब एंट्री सेम, पूरी की पूरी एंट्री सेम चिपका देनी है, आई होप ये भी क्लियर है। थर्ड केस की बात करते हैं सर, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे मैंने दो केस लिए हैं, ये दोनों के दोनों केस लेस वाले हैं, ये भी और ये भी, बट दोनों को ना डिफरेंट लेवल पे समझना है आपको, क्यों, बिकॉज एक जगह रिजर्व का कुछ पोर्शन यूज होगा, एक जगह थोड़ा ज्यादा पोर्शन और उससे ज्यादा निकल जाएगा। कैसे, देखो हमारा रिजर्व 30,000, क्वेश्चन बोलते हैं इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,80,000, बुक वैल्यू कितनी थी, 5 लाख थी। सर समझो अगर हमारी मार्केट वैल्यू 4,80,000 रुपये हुई तो बुक वैल्यू से कितना डाउनफॉल आया, सर डाउनफॉल आया है 20,000 का, ठीक है जी। हमने रिजर्व कितने का क्रिएट किया था, 30,000 का। सर अगर 30,000 के रिजर्व हमने क्रिएट किए हैं उसमें से 20,000 रुपये जाने तो क्या दिक्कत है, रिजर्व कितने का बचा, 10,000 का, और रिजर्व जो बचेगा वो किसका होगा, सर पार्टनर का होगा। आओ जरा एंट्री देखते हैं सर, केस थर्ड की एंट्री आपको बताने चल रहे हैं, एंट्री क्या होगी सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये टॉपिक सर आज आपको समझ ही लेना है, मतलब समझ के ही जाना है एकदम, समझो ठीक है। टू सर, अब इस समझ वाली बात ये, हमारा इन्वेस्टमेंट डाउनफॉल गया है, एंट्री पास करो इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब सर जो पैसा बचेगा वो पैसा किसका होगा, पार्टनर का होगा, अब एंट्री कर दो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बात है अमाउंट की, तो अब अमाउंट देखते हैं, रिजर्व कितने का था, 30,000 का था सर, कितने का लॉस हो गया, 20,000 का, तो इन्वेस्टमेंट का लॉस 20,000 क्रेडिट करेंगे, स्पेस पर पंगा मत लेना। पार्टनर्स को कितना मिलेगा, बचा पैसा, कौन सा रेशियो मिलेगा, ओल्ड रेशियो मिलेगा, लाइन क्लियर। बट अब केस फोर पे देखना, कहता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4,60,000, बुक वैल्यू 5 लाख, तो जरा समझो लॉस कितने का हुआ, सर लॉस हो गया है 40,000 का। सर रिजर्व कितने का बनाया था, 30,000 का। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आपके रिजर्व से अगर लॉस ज़्यादा का हो जाता है तो यहाँ पे, अच्छी बात बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन में रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम होता था तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता था, कमेंट कर लो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होता था। ऑब्वियस ये बात है रीवैल्यूएशन, यहाँ पर भी बात सेम है, आओ कर देते हैं रिलेट फटाफट से, दोनों को ना साथ में रख के दिमाग में चलना तो आपसे मिस्टेक नहीं हुई। क्या एंट्री करेंगे सर, एंट्री देखिए इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले ना दिमाग में आना है हमें एक बात दिमाग में सेट कर लेनी, क्या हमें हर बार लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है, राइट ऑफ करनी है। लाइबिलिटी क्या है, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और लाइबिलिटी जब भी रिड्यूस होगी तो क्या करना है उसे, डेबिट। तो ये तो सब में हो रहा है, दिख रहा है ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
अकाउंट डेबिट। सर पैसे कितने लगेंगे? सर जितने उतने ही लगेंगे, ज़्यादा ला नहीं पाएंगे ना आप। 30,000 है, 30,000 चिपका दो। सर अब बात आती है कि हमें लॉस हुआ है, कितने का? 40,000 रुपये क्लेम लगा, मतलब 30,000 रुपये का था हमारा रिजर्व, क्लेम 10,000 रुपये बढ़ गया। अच्छा किसकी वजह से बढ़ा सर? क्योंकि वैल्यू बढ़ी है ना, तो क्या लाना है हमको? लॉस हुआ है, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। लॉस होने पे डेबिट होता है, डेबिट कर दो सर, डेबिट। अच्छा अब क्या पार्टनर्स को पैसा मिल सकता है क्या? सर पार्टनर्स तो है ही नहीं ना, पार्टनर कहाँ है? बिकॉज रिजर्व बचेगा तो पार्टनर को। यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो गया। कहाँ लॉस हुआ? रीवैल्यूएशन पे हुआ। तो सिंपली दिखा दो, देखो जरा रिवॉल्यूशन पे कितने का लॉस था? 40,000 हमने दिखाया, 40,000। लेकिन इस 40,000 के लॉस को हमने 30,000 रुपये रिजर्व में से ले लिया, बचा 10,000 हमारा एक्चुअल लॉस है जो रिवॉल्यूशन के डेबिट साइड पे दिखा देंगे। क्लियर? यहाँ चाहें तो आप एक इंटू आर पास कर सकते हैं जो रिवॉल्यूशन वाली है। चलो अब बात करते हैं केस नंबर 5 की। ओके सर लास्ट पॉइंट है, मार्केट वैल्यू ज़्यादा निकल गई। सर देखो यार, मार्केट वैल्यू ज़्यादा निकल गई मतलब साफ आप रिजर्व का यूज़ नहीं करने वाले। रिजर्व कब यूज़ होगा? जब आपको लॉस हो रहा हो। अगर रिजर्व यूज़ नहीं होगा तो सिनेरियो सेम है। एंट्री क्या निकली? पहली एंट्री निकलेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसको पैसा मिला? ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक बात है कि नहीं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर एक एंट्री और होगी। सर अब एंट्री क्या है? यार एक बात बताओ, जब हमारा इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू यहाँ पे घटी तो हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट किया, क्यों किया सर? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिजर्व से ज़्यादा घट गई, हमें लॉस हुआ। अब अगर वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट भी तो है, प्रॉफिट है तो कौन से अकाउंट इफेक्ट होगा? रीवैल्यूएशन। सर एंट्री क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको क्लियर। सर अमाउंट वाइज अगर जाना चाहें, 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 रुपये दिखा दो, सिंपल। यहाँ पे रिजर्व 30,000 का था, ऊपर 30,000 दिखा दो। आई होप आपको आज समझ आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये दोनों टॉपिक में, अब मुझे नहीं लगता कोई डाउट है, और यकीन मानो क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे दें, जहाँ से मर्जी दे दें, मतलब इस 5 केस और वर्कमैन कंपनसेशन के 4 केस, इससे बाहर कतई नहीं हो सकता। आई होप आपको चीज़ समझ आई है। चलिए मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपकी नई क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, आज रात में आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी जरूर मिलने वाले हैं, तो वेट करना, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन में इनको पार्ट को भी मैं इंक्लूड जरूर कर दूं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस थोड़ी और बेटर हो सके। तो चलिए मिलता हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते जरूर रहिए।